राहुल गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर युवक कांग्रेस के आह्वान पर उज्जैन में भी रन फॉर आरजी नाम से सैकड़ों की संख्या में युवा दौड़े। सुबह 9 बजे शहीद पार्क से शुरू हुई मैराथन में यूथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां उपस्थित हुए। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने और भाजपा की जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से राहुल गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के आह्वान पर रन फॉर आरजी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवक कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया। सुबह 9 बजे युवक कांग्रेस नेता हेमंत सिंह चौहान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवा शहीद पार्क पर एकत्रित हुए, जहां से लामबंद होकर मैराथन दौड़ में दौड़े। युवक कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों के साथ सड़क पर दौड़ रहे युवक कांग्रेस नेताओं का जोश देखते ही बन रहा था। राहुल गांधी और युवक कांग्रेस के झंडे हाथों में थामे शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मैराथन क्षीर सागर पर समाप्त हुई। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मंत्री हेमंत सिंह चौहान ने बताया कि देश की जनता भाजपा के कुशासन से त्रस्त हो गई है, जिसे उखाड़ फेंकने का संकल्प युवाओं ने ले लिया है। पर 19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन पर इस मैराथन दौड़ के माध्यम से भाजपा की भ्रष्ट सरकार को एक नए आगाज का संदेश दिया है। राहुल जी के जन्मदिवस के अवसर पर आज हम सब युवाओं ने ठाना कि हम लोग निरंतर लड़ाई लड़ते भी आए हैं। जो युवा बेरोजगार है, नरेंद्र मोदी जी ने जिन लोगों को जुमला दिया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार आपको देंगे, किसान भाई परेशान है, कर्ज के नाम पे आत्महत्या कर रहा है किसान भाई, उसी लिए सरकार को चेताने के लिए आज राहुल गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर हम सब लोगों ने आज रन फॉर आरजी के नाम से ये दौड़ लगाई है सब युवाओं ने, और ये दौड़ हमारी निरंतर जारी रहेगी जब तक इस सरकार को हम लोग उखाड़ के नहीं। संकल्प नहीं है, एक लड़ाई है, और ये लड़ाई युवाओं के लिए है जिनको रोजगार दिलाना है, ये लड़ाई उन किसानों के लिए है जो कर्ज के दब के आत्महत्या कर रहा है, उन लोगों के लिए लड़ाई है हमारी आज शुरुआत है, ये लड़ाई हमेशा जारी है। देश के नेता माननीय राहुल गांधी जी जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो चाहे किसान के फसलों के दाम की लड़ाई की बात हो, चाहे नौजवान के रोजगार की लड़ाई की बात हो, हर वर्ग के अधिकारों के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो राहुल गांधी जी है। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश के अंदर रन फॉर आरजी के नाम से, रन फॉर एम्प्लॉयमेंट के नाम से, रन फॉर वुमेन सेफ्टी, रन फॉर फार्मर और जिन मुद्दों को लेके एक दौड़ का आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया है, जिसमें सारे युवा उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और राहुल जी के संदेश को कि किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ होगा जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और हर वर्ग को उसका अधिकार मिलेगा, इस बात के संदेश को लेके हम हर वर्ग के बीच में पहुंच रहे हैं, हर जगह पहुंच के संदेश दे रहे हैं और पूरे प्रदेश और देश के नौजवान, किसान और हर वर्ग का व्यक्ति राहुल जी को चाहता है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने और इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को अधिकार दिलाने का काम करे।